देखिए कांवरी नदी है, ये भी लोगों को नहीं मालूम है, आजकल के जनरेशन के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि कांवरी नदी नाम की कोई नदी है। पूरा वेजिटेशन है जिसको भाजी बोलते हैं जिसको आप, लेकिन ये आज मुझे पता चला कि ये इतना खतरनाक झाड़ है कि इसको बंगाल में टेरर यानी आतंक बोलते हैं। ये दो हफ्ते में पूरा फैल जाता है। 3.5 किलोमीटर की नदी तो महानगर पालिका के पास, पर नदी मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर की तो मैं जानता हूँ, उससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। उससे बड़ी बात जो मुझे आज मालूम पड़ी कि हर बारिश में जो कांवरी नदी भरती है और ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है, यहाँ से लेके गैबीनगर तक पानी जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, अगर इसको JCP से निकालो तो ये बच्चे बह जाते हैं और फिर बाद में निकल आता है। दूसरी बात है जो मुझे पता चला कि यहाँ पे हर मतलब बारिश में 3 से 4 बच्चे डूब के मरते हैं। आज MLA रईस शेख ने उल्हास नदी की सफाई करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रशेखर भटसावले से और मनपा की टीम के साथ कामवारी नदी का दौरा किया। आपको बता दें कि असेंबली में MLA रईस शेख के जरिए कामवारी नदी पर आवाज उठाने के बाद ये मामला काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। लोगों को ये उम्मीद है कि शायद अब सरकार की इस नदी पर मेहरबानी होगी और शहरियों को एक अच्छी और महफूज नदी मिलेगी जो भिवंडी के इतिहास में काफी अहम दर्जा रखती है, जिसे हमने अपनी सीरीज हिस्ट्री ऑफ भिवंडी में भी दिखाया है। MLA रईस शेख से बातचीत में क्या जानकारी मिली आप इस वीडियो में जरूर देखें। NSIT एजुकेशन सेंटर में SSC और HSC बोर्ड के ट्यूशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि ये शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है, जिसका रिजल्ट हमेशा ही 100% रहा है। लास्ट ईयर 4 बड़ी स्कूल्स के टॉपर बच्चे इसी कोचिंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ कई सारे कंप्यूटर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इस कोचिंग क्लास में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखी जाती। वेल क्वालिफाइड स्टाफ रखने वाली इस इंस्टीट्यूट में बोर्ड एग्जाम का डर निकालने और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स के ही आंसर शीट पर टेस्ट लिए जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए यहां CCTV के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। इस क्लास की कोई ब्रांच नहीं है। मजीद मालूमात के लिए वीडियो की स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ करें। देखिए कांवरी नदी है, ये भी लोगों को नहीं मालूम है, आजकल के जनरेशन के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि कांवरी नदी नाम की कोई नदी है। नदी नाला बन गई, अब उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा वेजिटेशन है जिसको भाजी बोलते हैं जिसको आप, लेकिन ये आज मुझे पता चला कि ये इतना खतरनाक झाड़ है कि इसको बंगाल में टेरर यानी आतंक बोलते हैं। ये दो हफ्ते में पूरा फैल जाता है और ये जो है, सच बताओ, ये इन्होंने आज मुझे बताया कि ये जो है छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, अगर इसको JCP से निकालो तो ये बच्चे बह जाते हैं और फिर बाद में निकल आता है, तो ये JCP से सॉल्व नहीं होता। तो इन्होंने उल्हास नदी, CM साहब ने इनको सपोर्ट किया तो इन्होंने उल्हास नदी को साफ़ किया, तो आज वही CM साहब ने इनको यहाँ भेजा है। कमिश्नर भिवंडी ने इंटरेस्ट लिया है। 3.5 किलोमीटर की नदी तो महानगर पालिका के पास, पर नदी मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर की तो मैं जानता हूँ, उससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो इसमें बहुत सारा हिस्सा ग्रामीण में आता है, तो ग्रामीण के CEO को लेकर, महानगर पालिका आयुक्त को लेके, लोकल लोगों को लेके, ये सारे लोगों को लेके बैठ के इसको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना, जैसे आपने भी बताया कि यहाँ पे गंदगी छोड़ते हैं लोग, मतलब कॉरपोरेशन भी छोड़ती है, फैक्ट्रीज भी छोड़ती हैं, एनक्रोचमेंट हुआ है अभी नदी पार में, तो बता रहे पूरा ढेर बन गया है पूरा। तो ये सब चीज़ों को साफ़ करके फिर मेंटेन करना, ऐसा नहीं कि कल साफ़ कर दिए फिर वो वही हो जाए। तो ये सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का काम हम लोग करेंगे, यहाँ के जितने भी लोकल काउंसिलर्स हैं, दूसरे MLA साहब हैं, MP है, सबको इन्वॉल्व करके इसको हम ठीक तरह से एक प्लान बना के पूरा करेंगे। कांवरी नदी पे अटेंशन आया, उसको अजीत दादा ने बहुत सपोर्ट किया, अजीत दादा खड़े होकर बोले, उसकी वजह से मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा। और एक अच्छी बात है कि उस प्रश्न को उठाने से आज जितनी महाराष्ट्र में प्रायोरिटी की नदी है उसके लिए जो प्रोग्राम बना हुआ है रिजुनोवेशन का, उसमें इस नदी को लिया गया है। सर इसमें कई सारी जो बिल्डिंग है उनके डैमेज के पाइप और जो वाटर माफिया जो रहते हैं, जो टैंकर यहाँ से भरी जाती है, उसके लिए क्या करेगी कॉरपोरेशन? अभी कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब ने VC ली है UD के साथ, इन चीज़ों को पहले कागज़ पर लाना पड़ेगा। आज तक सरकार को मालूम ही नहीं कि क्या होता है, तो इन चीज़ों को ला के कॉरपोरेशन को अकाउंटेबल करना पड़ेगा कि ये चीज़ें ना हों। उससे बड़ी बात जो मुझे आज मालूम पड़ी कि हर बारिश में जो कांवरी नदी भरती है और ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है, यहाँ से लेके गैबीनगर तक पानी जाता है, तो उसकी वजह है कि आगे चल के
जो है नदी को एकदम पैक कर दिया गया है। दूसरी बात है जो मुझे पता चला कि यहाँ पे हर मतलब बारिश में 3 से 4 बच्चे डूब के मरते हैं, तो वो इमीडिएटली ये बारिश में हमारा प्रोग्राम होना चाहिए कि एक भी जान कामवारी नदी में नहीं जाए, ये हमारा प्लान होना चाहिए। बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, आप बोल रहे हैं इंक्रोचमेंट है, लोगों के ड्रेनेज पाइप छोड़े हुए हैं, फैक्ट्री के पाइप छोड़े हुए हैं, टैंकर माफिया है, सब है। इन सबको कागज़ पे लेके एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। नदी नाका माढ़ा में पिछली बार जो पानी भरा, तहसीलदार तो 5-5 हज़ार रुपये बांट के चले गए, उनके घर का क्या हो गया? वो गरीब बेचारे हर साल परेशान रहते हैं। इस साल ये नहीं होना चाहिए, ये हम उनको खाद पी लेना चाहिए।